गाड़ी से पहचान गए होंगे आप कि कौन आने वाले हैं। आपकी एक्टिंग का फैन हूँ यार। अरे वैसे तो गाइस अभी आया अनुज भैया, गाड़ी ऐसे खड़ी कर रखी थी ना यूं दो है ना भाई, झूठ बोल रहा हूँ, सही नहीं थी, वीडियो से लेनी पड़े, सरप्राइज करा गाइस भाई। ये लड़की मुझे यहाँ घूमने के लिए लेकर आई है। फिर कब मिलते हैं? फिर जब तू कहेगी जब मिलेंगे। रामगढ़िया गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने स्कूटी पे एलके भाई के साथ, और आज हमने पकड़ लिया उस बंदे को जो ये बार बार बोल रहा था उखाड़ा क्या उखाड़ा क्या। तो भाई हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी यूट्यूब वालों ने वो वीडियो जो है ब्लॉक कर दी है। चलो मिलते हैं, कहीं निकलते हैं। तो भैया गर्मी इस कदर है, प्लीज डोंट गेट आउट फ्रॉम हाउस, घरों से मत निकले, भयानक धूप है और हम जो है निकले हैं ऐसे आउटिंग करने इतनी धूप में। तो भाई एलके भाई ने लिए हैं चार कट्टे, तीन बंदे और चार कट्टे लिए हैं। और कट्टे दिखा देता हूँ भाई आपको, ये रे आटे के कट्टे भाई वो कट्टे नहीं है, उड़ते कसाई मोहल्ला पत्ता कलकत्ता। भाई भूख लग गई थी और बहुत ही मशहूर बिरयानी है, अंकित भाई ने बताया कि ये खाओ भूल जाओगे सब कुछ, तो खा लेता हूँ। तो गाइस एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं मिलने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारे शख्स से जो कि बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छे फेमस प्रैंकस्टर भी हैं। तो अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो बस अब मिलने चलते हैं और आप उनको देखते ही पहचान जाएंगे क्योंकि उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन है। बस चलते हैं और मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। जा रहे हैं मेरे साथ एलके जौहर और अंकित अरोड़ा। भाई ये देख लो गाड़ी में ना पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चींटियाँ, और ये पता नहीं कहाँ से आ गई भाई, ये चींटियाँ भी नहीं लग रही मेरे को, देखो ना रुको तो, अरे एक सेकंड, चींटियाँ है भाई, ये काली चींटियाँ हैं, ये इनको छेड़ो मत, ये देखो नीचे भी देखो कितनी कितनी घूम रही है, पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गई, ये ऊपर से तो नहीं गिरी पेड़ पे से। तो भाई हम आए हैं इस जगह पे और ये जगह आपकी पहचानी हुई होगी, अभी आने वाले हैं भाई, उनको मैंने बोल दिया है कि मैं पहुंच गया हूँ उनकी मंजिल पे, उनसे मिलने के लिए बस आ ही रहे हैं वो मिलने के लिए। देखो भाई बाहर भी घूम रही है देखो सारी। तो भैया ये शानदार गाड़ी देख लो, और मान हमारे भाई बैठे अंदर और खतरनाक राइडिंग करके आए हैं, गाड़ी से पहचान गए होंगे आप कि कौन आने वाले हैं। चलो मिल लेते हैं भाई से। लो भाई बस अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो पहचान ही गए होंगे आप। कैसे हमारे रिकॉर्ड ठीक हो, कैसे भैया? बस बस आओ बैठेंगे। अरे भैया कैसे? गाड़ी से पहचान गए सब। तो भैया हम बैठ चुके हैं पारस भाई की महारत में। यो यो पारस भाई, हाँ आप बताओ हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? बहुत टाइम हो गया यार आपकी एक्टिंग का फैन हूँ यार। अरे वैसे रहने दो भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं सच में। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाकी पारस भाई से इतने टाइम बाद मिल रहा हूँ कि ये मतलब काम के सिलसिले में, मतलब पारस भाई इतने बिजी है ना कि कोई कोई सिलसिला नहीं है पर्सनल लाइफ में बिजी थे थोड़ा। हाँ पर्सनल लाइफ में भी बिजी थे थोड़े से, लेकिन बस अब अपन मिलते ही रहेंगे क्योंकि मैं भी दिल्ली ही हूँ। दिल्ली आ गए? हाँ आपको नहीं पता, मेरे को बताया नहीं आपने यार। मैं कह रहा हूँ अभी मतलब किसी उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बस जैसे आज फिर हुआ मैंने कहा पारस भाई से बात करता हूँ। पारस भाई ने बात करते एकदम कहा कि मोस्ट वेलकम आ जाओ बस अभी मिलना। अरे भाई क्या दिक्कत है, सब भाई है, क्या हो गया? तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है पारस भाई की इसमें, ये पूरा जो 100 गज का प्लॉट है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी कहीं चलते हैं बैठ के तसल्ली से प्लानिंग करते हैं कुछ खतरनाक से। तो भाई इधर पारस भाई के जो है फैन मिल गए हैं, और ठीक है भैया और हमारे पारस भाई की गाड़ी देख के पहचान जाते हैं लोग भाई यहाँ पे कैसे पहचान लेते हैं, गाड़ी भी यहीं खड़ी जाती है ना, तो गाड़ी से ही पहचान जाते हैं भाई, रुतबा जो है इस तरीके से बरकरार है। तो गाइस अभी आए हैं अनुज भैया और काफी दिन बाद मिल रहे हैं, काफी मजा आया, काफी मजा आ गया हमें मिलके। और दूसरा एक सरप्राइज आ रहा है तो आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा सरप्राइज पे, आपने बोला तो बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आना है। मतलब इतना खतरनाक सरप्राइज है ना गाइस, हाँ भी मतलब ये कहोगे क्या है भाई, ऐसे छुपा उस तो मजा आ जाएगा। तो भाई कुछ तगड़ा सा सरप्राइज आने वाला है, अनुज भैया भी आएंगे, वीडियो बनाएंगे मस्त साथ में, तो मैं बता दूंगा आपको ठीक है? बिल्कुल आ जाना, अभी दिल्ली रह रहे हो? तो भाई मेरे को नहीं पता दिल्ली रह रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले ही है ना सरप्राइज? रक्षाबंधन कब है? 30 तारीख 30 को है ना? हाँ उससे पहले ही है, उससे पहले ही है, ठीक है पक्का आना। तो भैया पारस भैया से इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करके और इतनी कॉमेडी भरी बातें हुई है ना, मतलब हंसते हंसते पेट ही भर गया, और जो है हमारे लिए नाश्ता पूरा जो है मैं ना खुद इतना हंसा हूँ आज, इतने दिन बाद लिटरली बता रहा हूँ बहुत हंसाया भाई।
बहुत दिन बाद जिंदा हंसा मैं खुल के। और जब लास्ट टाइम मिला था ना तो पारस भाई से मेरी ये चीज रहती है कि मैं जब भी मिलूंगा ना तो खतरनाक हंसा के मजा आ गया भाई। और अब जो है 5-6 दिन के बाद जो आपको मैं सरप्राइज बोल रहा हूँ ना पारस भाई जो देने वाले हैं, तो भाई वो बहुत ही खतरनाक सरप्राइज है। ये लगा लो कि आप कहोगे कि हाँ भाई ये वाकई में कुछ बड़ी चीज करी है काफी टाइम बाद। और हमारे पारस भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है पारस भाई। ऐसी प्यार दो अनुज भैया को भी बहुत अच्छे है भाई, सच में बहुत अच्छे। जो लोग दिल से अच्छे है ना उनका सपोर्ट करो भाई। थैंक यू सो मच पारस भैया, और बाकी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हम तो है ही हम तो साथ ही बाकी दिल्ली में है और आपको जो है मिलते मतलब दिखते रहेंगे एक साथ जो है अभी 5-6 दिन बाद कभी भी एनी टाइम। ठीक है, तो बाकी पारस भैया के जो है खतरनाक ब्लॉग देख देख के हम सीखते रहते हैं कि कितने खतरनाक चीजें करते हैं। मजे ले रहे हो भाई आपके साथ ब्लॉग देखता रहता हूँ मैं, सारे बता सकता हूँ, अभी भी पूछ सकते हो। आपके पास जो टैलेंट है ना मुझे पता है, मेरे पास सुनो बिना कट के आप ही पूछ सकते हो कि कौन सा ब्लॉग में क्या दिक्कत थी कहाँ थी, वो सारे आपके हल वाले के सारे देखे मैंने, सारे ऑफ रोडिंग वोडिंग वो गाड़ी ऐसे खड़ी कर रखी थी ना यूं दो है ना भाई, झूठ बोल रहा हूँ, सही नहीं थी है ना, वो सारे ब्लॉग देखता हूँ भाई मैं। तो देखो हमारा काम ही है, हम देख के सीखते हैं, तो ऐसी चीजें जो है देखते रहो और सपोर्ट करते रहो ज्यादा से ज्यादा। कॉफी रखिए, कॉफी पी लेता हूँ भाई अपनी। तो भैया हमारे एल के भाई हैं जो है खतरनाक बॉन्डिंग, मतलब इतनी अलग भाई आप पहले भी मिले क्या? अच्छा तभी एकदम बिना के एकदम से एकदम कहते लिया एकदम से हल्के भाई, मैंने कहा पारस भैया के पास चलना है, कह रहे हैं चलो वेलकम है, घर आ सकते हैं। नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पहले मिल चुके क्योंकि एकदम कहते लिया है, मैंने कहा पारस भाई से मिलना है तो तुरंत ही कहने लगे पारस भाई के घर के नीचे गाड़ी रुकवाई। हाँ बिल्कुल, बिना अपने बिना लोकेशन, जो लोकेशन भेज थी ना मैंने लोकेशन खोली नहीं, इन्होंने ऐसे बता दिया, यही तो प्यार है कसम। और हमारे अंकित भाई भी चले हल्के भाई, चलो ओके भाई चलो, बहुत हो गया व्यायाम अब चलते आना फिर आना सरप्राइज पे आना। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज ऐसे लेनी पड़ेगी, वीडियो ऐसे लेनी पड़ेगी, सरप्राइज पे आना गाइस। तो भैया मिल लिए हैं पारस भाई से और एल के भाई हमारे अंकित भाई, मेरे साथ जो है पूरी फुल मस्ती चल रही है आज तीनों भाइयों की। तो आज बैठा बैठा घर पे बोर हो रहा था, मैंने सोचा क्या करे क्या करे, तो फिर पारस भाई से बात हुई, तो पारस भाई कहने का आ जाओ बस मिलते हैं, तो बस चलते हैं। पारस भाई अंदर है और अब हम निकलते हैं, चलो आ जाओ। तो भैया जैसा कि पारस भाई ने बोला है कि भाई आना है 5-6 दिन बाद, एक बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग है किसी चीज़ को लेके, वो मैं अभी नहीं बता सकता, तो उसमें बहुत से यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ओपनिंग में आएंगे, और वो क्या सरप्राइज है आपको तभी पता चलेगा। तो मैं ज़रूर जाऊंगा, पारस भाई ने बोला कि ज़रूर आना है, जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि वो क्या सरप्राइज है। और बहुत खुशी की बात है कि पारस भाई अब जो है थोड़ा मेंटली भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी अभी पीछे, जो बहुत सारी मतलब ये लगा लो कि घटनाएं थी जो ऐसी घटी, लेकिन अब वो बिल्कुल फ्रेश है और काम करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, अब वो धमाका मचाने वाले हैं इंडस्ट्री में। तो बस मिलते हैं आपको खतरनाक तरीके से। अनुज भाई चाउमीन खा लो यार, बहुत बढ़िया बनती है। कहाँ की नंबर है यार, चीनू की, चीनू चाट भट्टा एक नंबर। पर मैं अरे आपको पता तो है मैं कहाँ खाता हूँ चाउमीन वगैरह। अब भाई आप जिया तो फिर लोग तो भाई मम्मी खिलाएगी घर जाके, तो मम्मी के आप क्या खाओगे? गाइस देखो मेरे जो लौकी की जो चर्चा है ना वो मतलब ऐसे दूर दूर तक है पूरी, कि सबको बताया कि मैं लौकी का कितना बड़ा फैन हूँ, मतलब लौकी की सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्जी में खाता हूँ ना, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते कि लौकी की सब्जी को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मन से दिल से खाता हूँ लौकी की सब्जी। मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें लीवर में कोई भी दिक्कत है या कुछ भी है ना, तो आप लौकी की सब्जी तोरे की सब्जी खाओ, ये क्या है ना जो चीज़ें स्वादिष्ट नहीं होती पौष्टिक होती है, ठीक है ये ध्यान रखना। को भी लीवर में दिक्कत हो तो अनुज भाई के घर की लौकी की सब्जी खाएं। हाँ ये तो है, भाई के घर पर आएं, ये तो है बिल्कुल। मेरी मम्मी के हाथ की जो आपने लौकी की सब्जी खा ली ना, तो आप वाइफ फैन हो जाओगे और आप चलेंगे हम चलेंगे पक्का ना, पक्का चलेंगे भाई, नेक्स्ट वीक पक्का, ठीक है। तो भाई बिल्कुल इन दोनों को मैं घर पे ले जाऊंगा अपने गाँव में, और भाई मम्मी के हाथ की लौकी की सब्जी खिलाऊंगा, मतलब खा के आप ना यूं कहोगे कि भाई जब भी मन करेगा ना तो आप कहोगे कि वहीं ले चलो वहीं खिलाओ। तो भाई एलके भाई और अंकित भाई हम आ गए हैं मशहूर भल्ले पापड़ी गोलगप्पे पे, और ये हमारे जीतू भाई, खा लेते हैं भाई भाई भल्ले पापड़ी खाओ गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी भाई, भल्ले पापड़ी भाई, ये आ गई है यहाँ की मशहूर भल्ले पापड़ी, और देख लो कैसे मन एकदम से जीभ लपलपा रही है भाई, मेरी भी लपलपा रही है, तो खा लेते हैं भाई खतरनाक, क्योंकि काफी टाइम बाद खा रहा हूँ मैं ये चीज। तो भाई मैं तब से हमारे एल के भाई और अंकित भाई के साथ फुल आउटिंग कर रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि काफी टाइम से जो है ना मैं घूम नहीं पा रहा था, अच्छे से कुछ खा नहीं पा रहा था, उधर से जो है कोमल का फोन आया जा रहा है बार बार
कि भाई क्या प्रोग्राम है, कुछ घूमने वूमने का है क्या। उसको घूमने का इतना शौक है भाई, उसको कितना ही घुमाते रहो, उसको इधर उधर कहीं भी घूमते रहे वो थकती नहीं है। तो भाई बोल रही है कि कुछ खाने पीने चलते हैं इधर उधर है, तो मैं देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो भाई उससे मिलता हूँ जरूर। तो भाई फाइनली हमें लड़की मिल गई है, ये देख लो जो आपने कल भड़का रखी थी कमेंट कर करके, लड़की लड़की कह रहे थे, सॉरी तो मैंने फिर दोबारा लड़की बोल दिया। तो भैया कोमल हमें मिल गई है और हम आए हैं घूमने के लिए पैसिफिक मॉल। कोमल बोल रही थी कि भाई मिलना है। हाँ भाई, क्यों गुस्सा हो रही थी? तुम्हारे बोलने से लड़की लड़की मेरा नाम नहीं ले सकते? तो नाम ले तो रहा हूँ, कोमल कोमल। हाँ, मेरा नाम लिया करो, लड़की लड़की क्या होता है। तो भैया आपने देख लिया कोमल कितनी बढ़िया स्कूटी चलाती है, देख लो मस्त स्कूटी चलाती है एकदम। तो भैया लड़की ने गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, ओ सॉरी कोमल ने गाड़ी लगा दिया पार्किंग में और बस चलते हैं बंदर। और भाई हमेशा की तरह ये दो शख्स मुझे फिर मिल गए हैं। हाँ भैया, भाई यहाँ भी झगड़ा चल रहा है क्या? ये गदर को लेके चल रहा है। झगड़ा शांत हुआ कि नहीं हुआ अभी? अच्छा चलो कोई नहीं, अब हम साथ घूमेंगे डेली, फिर हो जाएगा। दोस्ती करवा दी भाई मैंने इन दोनों में, भाई दोस्ती करवा दी है फुल। इनमें बहुत तगड़ा झगड़ा चला हुआ था, अब इनकी दोस्ती करवा दी है। ठीक है भाई, अब तो कोई गीला सिखवा नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, उखाड़ा होना उखाड़ो, पर कोई गीला सिखवा तो नहीं। गर्मी कितनी गर्मी है। ओहो नौरा फतेही। भाई ये लड़की मुझे यहाँ घूमने के लिए लेके आई है, बाकी मॉल तो बहुत ही शानदार है। और भाई लड़की की ड्रेस देख लो क्या बात है, ये लड़की अपने मतलब के लिए लेके आई है यहाँ पे। ये देखो अपनी, ये अपने चक्कर में देख लो यहाँ पे, ये कहाँ घुस गई देखो। इसमें मेरा क्या फायदा, लड़के के आज ये लड़कों के नहीं दिख रहे मुझे एक भी यहाँ पे। ठीक है भाई, मैं ढूंढता घूम रहा हूँ इस लड़की को। अरे भाई क्या क्या ढूंढ रही है, ये देख लो भाई, ये अपने चक्कर में लगी पड़ी है यहाँ पे। भैया मुझे घुमाने लेके आई है, अपने चक्कर में आई है यहाँ पे। सही तो लग रहा है ये, लेना ये लड़का अपने चक्कर में लगे हुए भाई। हाँ क्या पसंद आई तुम्हें, ये पसंद आई क्या? क्या बात है भाई, क्या बात है। भैया ये दिखा देना एक बार। अरे अरे भैया ये तो अपने बंदे, ये तो अपने बंदे ले गया, इससे तो शाकाल बना करके चला गया, इसके तो बाल भी नहीं है, आँख भी नहीं है, नाक तो है भाई, मुंह बाल भी तो नहीं है इसके। तो भैया हम सोच रहे हैं कि अगर हम तीनों आते ना केवल इस मॉल में, तो भाई हम तो ऐसे ऐसे देख देख के, कैसे भाई ऐसे ऐसे हम तो दूर दूर से ऐसे ऐसे देख के निकल जाते। लेकिन हमारे साथ है एक लड़की जो कि इस पूरे मॉल को छान सकती है भाई, एक एक ड्रेस उठा उठा के देख रही होगी। अभी देखता हूँ मैं ऐसे ऐसे ना, पता नहीं कहाँ है वो, अभी वो कहीं ना कहीं लगी पड़ी होगी भाई, वो देखता हूँ मैं। ये लगी पड़ी गाइस, ये देखो कुछ पसंद आया क्या? ये अच्छी लग रही है, इतना कमा रही है, ले ले मुझे भी दिलवा दे कुछ बढ़िया सा। पता नहीं ये लड़की कहाँ घुस गई है मिनी शॉप में। अरे है तो तेरे पास पर्स भाई, लेना भाई। ये लड़की परफ्यूम सूंघ सूंघ के देख रही है भाई, ऐसे सूंघ के बता देती है कौन सा खतरनाक। इन दोनों में से, इन दोनों में से देखने में तो मुझे ये सही लग रहा है, बाकी फ्रेगनेंस तो ये पता होगा इसकी अच्छी है, तो ठीक है यही ले लेते हैं। फाइनली हम पहुंच गए लिफ्ट पे और भाई चलते हैं, बहुत हो गया घूमना घामना, इस लड़की ने घुमाया बोर करा बस और कुछ नहीं। तो भैया फाइनली बाहर आ गए हैं और लड़की चलाएगी फिर दोबारा स्कूटी। हाँ राइडर, यू आर अ राइडर, गो फाइडर। स्कूटी तुझे पता होगी तूने खड़ी करी है, मुझे क्या पता। ओ लड़की भूली गई स्कूटी कहाँ खड़ी करी है, उधर है वो खड़ी। चल भाई मुझे मिल ही जाता कोई ना कोई ड्राइविंग करने वाला मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं दोस्त भी ऐसी बनाता हूँ जिनको ड्राइविंग आती है, है ना। तो भाई मुझे पता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मैं दोस्त भी ऐसी बनाता हूँ जिनको ड्राइविंग आती हो, ठीक है ना। ये मेरा सारथी है, चलते हैं बस घर। ठीक है भाई, फिर कब मिलते हैं? फिर जब तू कहेगी जब मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली में बहुत टाइम घूमी है ना, तो ये बताती रहती है कि वहाँ चलो वहाँ चलो। दिल्ली की हूँ नहीं, दिल्ली की है नहीं वैसे ये, लेकिन दिल्ली में घूमी बहुत है क्योंकि दिल्ली में रही है ना शुरू से। भाई इस लड़की ने पूरे दिन से जान खा रखी थी कि कहाँ आओ आ जाओ, घूमने चलना है घूमने चलना है, और घुमाया भी पता नहीं कहाँ पे है वो, बस अपनी शॉपिंग के चक्कर में लगी पड़ी थी। तो पैसिफिक मॉल है, उसमें अपने चक्कर में लगी पड़ी थी शॉपिंग के चक्कर में। बस मुझे स्पेशली मिनी शॉप पे जाना था, वहाँ से मुझे परफ्यूम लेना था।